हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या है नया अपडेट, क्या है? तो दोस्तों, हकीकत ये है कि कोर डाओ बहुत आगे निकल चुका है और पाई नेटवर्क अभी भी केवाईसी में अटका पड़ा है। और जो इसके फाउंडर्स हैं, निकोलस कोगेलिस, अभी इन्होंने एक आर्टिकल जारी किया है कि इसके ऊपर ह्यूमन पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ AI। अभी ठीक है, आर्टिकल जारी किया, इसको आप लोग रीड आउट भी कर सकते हैं, बट आगे के भी स्टेप्स लेना, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना, रोड मैप के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स के अंदर। और काफी समय से हम सारे पायनियर्स वेट कर रहे हैं, और कोर टीम जो अपडेट्स लेकर आ रहे हैं वो इसेंशियल अपडेट्स की हमें यहाँ पर जरूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, अभी ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ह्यूमंस को मतलब आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, आइडेंटिटी को KYC को कंप्लीट करना, ये अभी यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आपके AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स के थ्रू आप लोग यहाँ पर आपके KYC प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपको ये पता ही होगा कि मिस्टर एलन मस्क ने $45 बिलियन बिल लगाया था ट्विटर को बाय करने के लिए, और ये सक्सेसफुली अभी उन्होंने बाय भी कर लिया है। और इसको ट्रेड में लाने वाला, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को ट्रेड में लाने वाला जो पर्सन है वो है मिस्टर इलॉन मस्क। अभी और एक आर्टिकल जिसके अंदर पोस्टिंग किया गया है निकोलस कोकेलिस की तरफ से, यहाँ पर इन्होंने बताया कि KYC को कंप्लीट करना इन AI के थ्रू, अभी ये सिस्टम के थ्रू और भी ज्यादा इजायर बनेगा सभी दोस्तों के लिए, सभी पार्टीज के लिए जिनका यहाँ पर KYC पेंडिंग है। समझ सकते हैं मास लेवल पे KYC कंडक्ट करना मुश्किल होता है, बट इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कोर डाओ का सबसे स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय आपका KYC कंप्लीट हो गया था। सो अकॉर्डिंग टू कोर टीम, यहाँ पर मैन्युअली KYC कंडक्ट करना, या तो टाइम देना, स्टाफ मेंबर्स को हायर करना, और ये सारी चीजें मतलब कॉस्टली होती है। यस, कॉस्टली होती है, बिल्कुल एग्री करते हैं इन सारी चीजों के ऊपर, बट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके थ्रू यहाँ पर KYC कॉस्टिंग, आप सभी दोस्तों की जो KYC कॉस्टिंग है इसको कवर की करे जाने की कोशिश यहाँ पर लगातार बाय कोर टीम की तरफ से शुरू है। इवन एट द रेडियो स्टैंड कॉमनली एडवर्टाइज KYC रेट्स ऑफ $1.49 to $2.05 पर यूजर, पर यूजर KYC के लिए रेट्स अभी के समय पे जो कि लग रहे हैं। इवन कॉस्टिंग्स को यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद भी जो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, उसके बाद भी आप इनका कहना है दिस सॉल्यूशन सिंपली इजंट स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव फॉर अमेजिंग लार्ज यूजर बेसिस। सो लार्ज यूजर बेसिस पे KYC कंडक्ट करना वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, मान रहे हैं, ठीक है, बट इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे पाइनेंस लगातार पेशेंट वेट कर रहे हैं इतने दिनों से, इतने समय से, और अभी कुछ ऐसे स्टेप्स ले जा रहे हैं बाय कोर टीम की तरफ से कि AI स्मार्ट बॉट्स के थ्रू आपके KYC इजिली कुछ ही सेकेंड्स में, मिनटों में यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है। तो इतने दिनों से लगातार इस चीज के ऊपर ही वर्क चल रहा है, क्योंकि 80% ऑफ यूजर्स का जो KYC है मेरिट लॉन्च होने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अभी भी इतने सारे पाइनेंस का KYC कंप्लीट होना पेंडिंग है। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर जो सॉल्यूशन है, पाई नेटवर्क कम्युनिटी सोर्स KYC सॉल्यूशन, अभी बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, ह्यूमन वेरिफिकेशन का सॉल्यूशन आया, बट मास KYC यहाँ पर इजीली कंडक्ट नहीं हुआ है, हो पाया है अभी तक वर्ल्ड वाइड। जो मास KYC अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो और एक ऑप्शन ही लेकर आ रहे हैं जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन मेड बॉट्स। जो ह्यूमन मेड बॉट्स रहेंगे वो इजिली उनके अंदर एक चिप सेट सेव किया रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जितने भी सारे इंफॉर्मेशन कोडिंग वगैरह सेट की होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आप सभी दोस्तों के KYC कंडक्ट होंगे। बट जल्द से जल्द KYC प्रोसेस को कंडक्ट किया जाना चाहिए, ये हम सभी दोस्तों का यहाँ पर मानना है, और ये होगा भी इसीलिए क्योंकि AI अगर आ जाता है तो AI KYC कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में, मतलब ऑलमोस्ट स्लॉट्स में, बड़े बड़े स्लॉट्स में आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो कॉस्टिंग आपको यहाँ पर, मतलब आपको तो पे नहीं करनी थी, बट टीम की तरफ से पे की जा रही थी, और इनका कहना है कि ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह ये जो सर्वर के ऊपर आते हैं, पाइप के ऐप पे आते हैं, ये सारी कॉस्टिंग को कवर करने के लिए, सर्वर मेंटेनेंस रखने के लिए, ये सारी जो एडवर्टीजमेंट है इनको कंडक्ट किया जाए। तो ये भी एक तरह से मान लेते सही चीज है, बट अभी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कि आपके ओपिनियन से क्या व्यू पॉइंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत तगड़ा है, प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बट डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट अभी चलाने वाले इसको कैसे चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी इतना बड़ा यूजर है यार, बहुत बड़ा यूजर है, बहुत बड़ा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास लॉन्च होने के बाद तक नहीं रहता, ये लॉन्च होने से पहले। तो इस यूजर बेस का, मैन पावर का सही जो वे में डिरेक्ट करना, सही वे में इसका यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजों को कंडक्ट कर पाते चलाने वाले, तो बिल्कुल प्रोजेक्ट को कहां से कहां तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। बट ऐसे ही अगर काम चलते रहा, कोर कॉइन तो $5,000 पे भी पहुंच जाएगा, फिर भी अगर पाएगा KYC कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है बड़ा। तो जल्द से जल्द इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी इतना ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, और नहीं लगता अभी इतना ज्यादा डिले करेंगे, क्योंकि AI के थ्रू अगर होगा तो रैपिड KYC यहाँ पर होने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट को छोड़ना मत, क्योंकि बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे ही यहाँ पर इग्नोर हुआ था बिटकॉइन को लेकर, और बिटकॉइन में ऐसे ही टाइम लग रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, बट आज आप लोग देख सकते हैं फिर से और एक बार $20,000 क्या हो, बिटकॉइन ने अपना जो प्राइस लेवल है इसको सेट कर दिया है, और इसके ऊपर अभी यहाँ पर होल्ड भी कर रहा है, तो हो सकता है $30,000 को भी क्रॉस कर जाए। तो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर गिव अप मत करना, ऐसे खास करके ऐसे जो प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने एक चीज एकदम क्लियरली आपको बोली कि कम्युनिटी सक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारे प्रोजेक्ट्स को ऊपर लाने में, इनकी वैल्यूज को बिल्ड करने में, क्योंकि एक आदमी से, दो आदमी से, तीन आदमी से ये तो काम होने नहीं वाला, बट अगर यहाँ पर यूनिटी में काम हो रहा है ना, तो ये प्रोजेक्ट सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को मिलाकर बड़ा सक्सेस